नंबर 3 पढ़ाएंगे जिसका नाम है स्वस्थ बिल्कुल समाचार। स्वस्थ रहने के लिए जिसका आपको कहावत सुनने होंगे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, स्वस्थ वृत्तक समाचार। स्वस्थ रहने के लिए किसका आचरण करना है, स्वस्थ रहने के लिए हमें आचरण करना है, पहला श्लोक है बाल समाचार। स्वस्थ वितरम समाचार है, इसमें कालिदास द्वारा लिखा गया यह कविता जिसमें कालिदास जी बताए हैं कि कुमार शंभुम ये लिखा है कि सबसे पहले हमें अपने बॉडी को महत्व देना चाहिए। अगर हमारे शरीर ही ठीक नहीं है तो हम कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए में पहले कविता में उन्होंने अपने स्वास्थ्य को कैसे जो है हमें कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे हमें सोना है, कैसे अपने शरीर को रखना है, इसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया है। तो पहला श्लोक है बाल उत्तिष्ठ सयात स्वस्थ वृत्तम समाचर स्मर जगत विधातारम तत् शुद्धम जलम पिब। हे बालक, सबसे पहले शय्या यानी बेड से उठो, सबसे पहले उठो और स्वस्थ वृत्त स्वस्थ रहने के लिए आचरण करो, उसके बारे में सोचो और एकदम मन फ्रेश करके उठो, उसके बाद भगवान का स्मरण करो, उसके बाद ततः शुद्धम जलम पीवन तुरंत शुद्ध जल पीजिए। सेकंड श्लोक है शतम पदानि निष्क्रम में शतम यानी 100 पदान यानी स्टेप कदम 100 कदम निष्क्रम यानी चलकर शौचार्थम गच्छ सत्वरम। बहुत ही शीघ्र ही तुरंत हमें शौच क्रिया के लिए जाना चाहिए। फेन लीने यानी साबुन से अपने हाथ को करो कृत्वा शुद्ध करो यानी हाथ को कृत्व यानी करके शुद्ध यानी शुद्ध क्लीन करके उसके बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन तैलम मर्दे काय तुम ततः स्नानम समाचार है। सबसे पहले अगर आप स्नान करने के जा रहे हैं उसके व्यायाम करने के बाद स्नान करने के लिए जाइए और तेलम मर्दम का या तेल यानी ऑयल को अपने काय यानी शरीर में पूरे बॉडी में मसाज करिए, उसके बाद स्नान करिए। यथा विधि जलेने व वस्त्रम सुवि प्रधाव, जो आपका अंग वस्त्र है उसको यथा विधि जिस प्रकार अच्छे से हो सके जल से उसको धुल डालिए। फिर कुछ 4 नंबर में श्लोक नंबर 4 पूर्वा
पूर्वाभिमुख आसीन कुरु संध्या विधि तथा वंदस्त पितरौ नित्यं प्रातरासम आशान च यानी ईश के तरफ मुँह करके संध्या विधि यानी पूजा अर्चना करिए या नहाने के बाद, उसके बाद तुरंत पूजा अर्चना कीजिए पूर्व मुँह करके। फिर वंदस्त पितरौ अपने माता पिता का पैर छू टच यानी स्पर्श करिए, पैर छूए नित्य यानी डेली अपने माँ बाप पिता का माता पिता का चरण स्पर्श करिए। प्रातः राशम आसान च उसके बाद प्रातः राशम यानी नाश्ता करिए। फाइव नंबर पाठशाला समम मित्र गच्छ पाठम तथा पठ, मित्र के साथ पाठशाला जाइए स्कूल जाइए और उसके बाद पाठम तथा पठ वहाँ पर जो रीड करवाया जा रहा है उसको पढ़िए। एवं समाधिशत पुत्र जैसा समाधिशत यानी जैसा तुम्हें आदेश दिया जा रहा है तात यानी पिता तुम्हारे जैसा जो है आदेश दे रहे हैं पुत्र हित के लिए अपने पुत्र के भलाई के लिए वैसा उनका आचरण करिए अनुकरण करिए। सिक्स नंबर श्लोक तेज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम कुर पुण्यम अहोरात्र स्मर नाम हरे सदा। दुर्जन का तेज यानी छोड़ दीजिए, दुर्जन यानी बुरे लोगों का संसर्ग यानी साथ, संसर्ग बुरे लोग का साथ छोड़ दीजिए। भज साधु समागम है तुरंत सज्जन लोग का साथ साथ पकड़िए और उनके आचरण पर चलिए जैसे वो कर रहे हैं वैसा करिए। कुर पुण्यम अहोरात्र पुण्य काम करिए, पुण्य का काम करिए, पाप नहीं करिए। स्मर नाम हरे सदा डेली भगवान का नाम का स्मरण करिए। सेवन नंबर श्लोक प्रय विचार्यो उत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित, पहले विचार करिए उसके बाद उत्तर दीजिए। प्रय विचार्यो पहले विचार करके फिर उत्तर दीजिए, सहसा न वदे क्वचित अचानक किसी से बात मत करिए। सत कुरुपुण्यम शत्रोरपि गुणाग्राह दोषाता ज गुरोरपि, प्रय विचार्यो पहले सोच समझ कर उत्तर दीजिए, सहसा न वदे क्वचित अचानक किसी से बात मत करिए। शत्रुरपि अगर वो आपका शत्रु भी है लेकिन अगर उसके अंदर गुण है क्वालिटी है तो उसको ग्रहण करिए। और दोष त्याजा गुरुरपि अगर गुरु भी हैं लेकिन उनके अंदर अगर बुराई है तो उसको ग्रहण मत करिए। एट नंबर श्लोक देयम सनातनम ब्रह्म हेयम च दुख दुखम नागतम कायिकम सुखम देयम विधेयम जनसेवकम जनसेवनम ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुख देयम सनातनम ब्रह्म, जो आया है जो अभी नहीं आया सनातन ब्रह्म जो होगा वो तो सच है लेकिन जो आया नहीं उसके बारे में सोच के दुखी मत होइए। कायिक सुखम आदेयम विधेयम जनसेवन, अपने शरीर को उसके बारे में सोच के क्यों दुख दे रहे हो, जो नहीं आया है उसके बारे में नहीं सोचिए। धन्यवाद।